और इस बीच बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की जीत। जीतने के बाद भावुक हुए पप्पू यादव। निर्दलीय प्रत्याशी है पप्पू यादव और अभी तक नहीं हुआ है इसका औपचारिक ऐलान, लेकिन थोड़ी ही देर में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। और बता दें आपको, निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पूर्णिया सीट से जीत गए हैं और जीतने के बाद पप्पू यादव भावुक नजर आए, क्योंकि कई दिनों से लगातार पप्पू यादव इस मिशन में लगे हुए थे और सफलतापूर्वक पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। हाँ, और लगभग हो गया, फाइनल हो गया। इतनी बड़ी 52,000 अकेला ठीक। अकेला पूरा दुनिया और देश मेरे विरोध में, मीडिया के लोगों का भी बहुत सहयोग, सच्चाई का साथ दिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबने अपने भाई की तरह देखा, सभी पदाधिकारी का भी भरपूर सहयोग मिला, बहुत सहयोग। पहली प्राथमिकता हर कीमत पर पूर्णिया के हर व्यक्ति को यह महसूस होना कि उसका बेटा जीता है। दूसरी प्राथमिकता न्याय, जस्टिस, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, अस्पताल हो, कहीं भी। तीसरी प्राथमिकता भ्रष्टाचार से मुक्ति। चौथी प्राथमिकता हर परिस्थिति में हो गया, किसी भी गरीब को तंग नहीं होने देंगे, आंसू नहीं बहेंगे, किसी अत्याय हो रही है, क्राइम बढ़ गया, जमीन सर, वो मेरे लिए चैलेंज है, आप चिंता ना करिए, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, पूर्णिया को वर्ल्ड का नंबर वन करने में जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। पूर्णिया के लोगों के लिए क्या कहना है भैया? वो मेरे लिए भगवान, पहले भी कहते थे, हम भगवान के तरह ही सेवा करेंगे और हर परिवार को अपना बनाएंगे। प्रमुख और पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से विजय हासिल कर चुके हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी किस तरह से पप्पू यादव जीत हासिल करने के बाद भावुक नजर आए। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और इस दौरान बातचीत करने के बाद पप्पू यादव काफी भावुक नजर आए और उन्होंने एक कार्यकर्ता के साथ गले मिलकर काफी इमोशनल भी हुए। और इस दौरान ये जो तस्वीर है यह काफी अंदर तक झकझोर दे रही है, जिस तरह से पप्पू यादव कार्यकर्ता के साथ गले मिलकर इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं और ये वाकई पूर्णिया के लिए और पप्पू यादव के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस बीच काफ़ी मेहनत भी करते हुए नजर आए थे पप्पू यादव और लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई और एक बार फिर से पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव ने फाइनली अपना कब्जा जमा लिया। लोकसभा चुनाव का परिणाम, सुबह से ही मतगणना जारी है और एक एक कर यह तस्वीरें भी जो है वो सामने आती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें, आपको बता दें बिहार की, तो बिहार में और झारखंड की बात करें तो 40 सीट में से, बिहार में 40 सीट में से 30 के आसपास बीजेपी को, और बाकी अगर हम बात करें अदर सीट की, जिसमें अगर हम बात करते हैं जेडीयू या फिर आरजेडी या फिर कांग्रेस, तो जेडीयू को 12